हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की न्यू वैकेंसी जो भी हाल ही में निकली है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 26 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरने हैं, साथ ही फॉर्म भरते समय पर क्या क्या गलती नहीं रखनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें सबसे पहले आपको जाना है गूगल के ऊपर और गूगल पर जाके आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टाइप करोगे, टाइप करने के बाद में आपके पास में शुरू में एक वेबसाइट आएगी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कैरियर्स का, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको करंट ओपनिंग, जिसमें 132 पोस्टों के ऊपर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली गई है। जिसमें एक ऑप्शन तो दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन का और एक दे रखा है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, यानी आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार की पीडीएफ फाइल दिखाई देगी, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये 26/7 से स्टार्ट हो चुके हैं और 16 अगस्त तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल कर सकते हो। यदि इसके बात की जाए वैकेंसी की, तो वैकेंसी के अंदर आपको टोटल 132 पोस्ट देखने को मिलेगी, जनरल की 56 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी की 35, एससी की 19 और एसटी की 9 पोस्ट है। एज क्राइटेरिया इसमें 21 से 35 साल रहने वाला है। तो यहां से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो। चलिए अपन हम बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो इसके लिए आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे और इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहां से करना है क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ये मांगी जाएगी, यानी आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम फिल कर देना है, कन्फर्म फर्स्ट नेम। नेक्स्ट दे रखा है मिडिल नेम, यदि आपके पास में मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए। नेक्स्ट दे रखा है लास्ट नेम, ये लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे फुल नेम दिखाई देगा, आपका जो भी फुल नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो मोबाइल नंबर में आपके जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर फिल करने हैं, कंफर्म मोबाइल नंबर पे कंफर्म मोबाइल नंबर। नेक्स्ट दे रखा है ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जैसे आपकी कोई भी ईमेल आईडी है उसमें लास्ट में लगाना है @, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, in.com है, तो वो ईमेल आईडी के जो डोमेन नेम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में आपकी कन्फर्म ईमेल आईडी, फुल ईमेल आईडी यहाँ पे लगा के सिक्योरिटी कोड लगा के इसको कर देंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे आपके पासवर्ड मिल जाएंगे। ये पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किए थे उन पे भी मैसेज के थ्रू ये चली जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो चूज फाइल पे जाना है, चूज फाइल पे जाके आपको सिग्नेचर ये फोटो अपलोड करनी है, लेकिन ध्यान देना है फोटो 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर ये 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए। यदि आपके पास में इस साइज के अंदर सिग्नेचर फोटो अवेलेबल नहीं है तो आपको जाना है ऑनलाइन बल्क इमेज रिसाइजर, इस बल्क इमेज रिसाइजर के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से अपनी फोटो चूज कर सकते हो। फोटो चूज करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे स्केल की साइज जो है अभी 50 के भी है, ये 50% है, और इमेज क्वालिटी 80% है। इसको करेंगे स्टार्ट, तो पहले फोटो की साइज थी 58 के भी, अब हो गई है 6 के भी। जैसे फोटो चाहिए थी मेरे को 20 से 50 के भी के बीच में, तो स्केल साइज इसको कर देंगे 150% और इसको करेंगे स्टार्ट। तो ये साइज हो गई, पहले 58 के भी थी लेकिन अब हो गई है 23 के भी। और अपन को यहाँ पे फॉर्म भरते समय में फोटो और सिग्नेचर कितने के बी के चाहिए थे, फोटो चाहिए थी 20 से 50 के बी और सिग्नेचर चाहिए 10 से 20 के बी। तो ये सिग्नेचर फोटो अपलोड करना है, उसके बाद में आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद में फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में आपको डिटेल भरनी है, डिटेल के अंदर ध्यान देना है क्या क्या फिल करना है। इसमें एक तो दे रखा है कैटेगरी, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में दिया हुआ है नीचे डिसेबिलिटी का ऑप्शन, यदि आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ये वाले जो फंक्शन है आपको यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डिसेबल्ड पर्सन के लिए दिए गए। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे भी डिसेबिलिटी का ऑप्शन दे रखा है, यदि आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। इनको नो पे क्लिक करने के बाद में ये फंक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए दिए हुए आपको। नेक्स्ट उसके बाद में आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है, जैसे आप हिंदू हो,
क्रिश्चियन हो, वो सारे के सारे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो येस पे क्लिक करना है। और पीरियड ऑफ सर्विस यानी आपने कितने टाइम तक सर्विस दी थी वो आप यहाँ पे मंथ के अंदर लिखना है, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। नेक्स्ट दे रखा है डू यू यानी कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो येस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। नेशनलिटी आप इंडिया से हो तो इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है स्टेट या फिर यूटी या फिर एनसीआर, जहाँ पे आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये स्टेट दे रखे है, जैसे आपने यहाँ से डायरेक्ट स्टेट सेलेक्ट किया राजस्थान, तो राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में दिया हुआ है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी राजस्थान के अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, जैसे अजमेर में चाहते हो, जयपुर में चाहते हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे ऑप्शन दे रखा है पीरियड या प्रीफर्ड जॉब लोकेशन, यानी आप अपनी जॉब लोकेशन कहाँ पे चाहते हैं। इसमें जहाँ जहाँ पे वैकेंसी है ओनली फॉर वहीं की लोकेशन आपको दिखाई देगा, जैसे असम हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हो गया। जैसे आपने उत्तराखंड सेलेक्ट किया, उसके बाद में स्टेट में उत्तराखंड, और यहाँ से आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये फिल करना कंपलसरी है। जिन भी ऑप्शन में आपको स्टार दिखाई दे रहा है वो स्टार वाली चीज़ें आपको फिल करना कंपलसरी है। ये सारी की डिटेल फिल करने के बाद में नीचे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा है आर यू रेडी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, यानी आप अपनी जॉब की लोकेशन जो है एनीवेयर इंडिया के अंदर कहीं भी चाहते हो तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज इसको कर देंगे नो पे क्लिक। नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो नीचे दे रखा है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जेंडर, आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, यानी आप ट्विन्स हैं अपने माता पिता के, तो यस पे करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। ये दे रखा है जेंडर फॉर द ट्विन्स, यानी ट्विन्स का जेंडर दे रखा है। नेम ऑफ द ट्विन्स, ये भी ट्विन्स का नाम दे रखा है। नेक्स्ट है आपकी मेरिड की स्टेटस, यानी आप अनमेरिड हो, मेरिड हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फादर्स नेम में आपके फादर्स नेम एंटर करना है, मदर्स नेम में मदर्स नेम एंटर करना है। सपोज नेम में जैसे आप अपने मैरिड हैं तो अपनी जो वाइफ का नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है, या फिर आप यदि फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में आपको एड्रेस के अंदर जो भी आपका एड्रेस हो वो एड्रेस फिल कर देना है। यदि आपका एड्रेस बड़ा हो तो एड्रेस 2 में टाइप कर दो, एड्रेस 3 में। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे आप राजस्थान से निवासी कर राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप अपना ये उसके बाद में दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हो वो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करना है आपका, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट दे रखा है आपके पिन कोड, ये पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद में दिया हुआ है एक और नीचे परमानेंट एड्रेस का, ये तो दे रखा है आपके पास में एड्रेस, जैसे आपके पोस्टल एड्रेस हो गया, ऊपर पोस्टल एड्रेस है, नीचे दे रखा है परमानेंट एड्रेस। लेकिन जैसे आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों के दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे सेम एज एड्रेस, तो ऊपर वाला जो एड्रेस था ये नीचे में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है आपको चूज द एड्रेस फॉर GST, इसके अंदर आप दे देंगे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा 300 रुपये। उसके बाद में कर देंगे इसको नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपसे आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जाएगी, जैसे ग्रेजुएशन आपसे आर्ट्स से की थी, इंजीनियरिंग से की थी, कॉमर्स से या फिर साइंस से, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ पासिंग, जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जब भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी उसकी डेट सेलेक्ट कर लेना है। क्लास की बात की जाए, जैसे आपने फर्स्ट क्लास पास किया था, सेकेंड क्लास पास किया था, या फिर ओनली फॉर पास क्लास, तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दे रखा है एक्सपीरियंस का, यानी आपके पास में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे दे रखा है लैंग्वेज नो, यानी आप जो भी लैंग्वेज जानते हो, जैसे आप हिंदी जानते हो, हिंदी को आप पढ़ सकते हो, रीड राइट या फिर स्पीक, ऐसे ही अदर लैंग्वेज आप जानते हो, जैसे इंग्लिश जानते हो आप, तो इंग्लिश के अंदर भी आप रीड करना जानते हो, राइट करना जानते हो, स्पीक करना जानते हो, तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में इसको कर देंगे सेवन नेक्स्ट। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा, इसमें आप अपनी डिटेल चेक कर लेना। डिटेल चेक करने के बाद में जैसे ही नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है। आपके पास में यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कोड हो वो सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पे फिल कर देना है। यदि आपके फॉर्म में प्रीव्यू पेज के अंदर कोई भी मिस्टेक हो गई है, नाम में, फादर्स नेम में, क्वालिफिकेशन के अंदर, तो आप यहाँ से बैक जाके इसके अंदर चेंजेज कर सकते हैं। उसके बाद में करेंगे इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना लेफ्ट सम अपलोड करना है,
एंड रिटर्न नोट अपलोड करना है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, फाइनल ईयर की मार्कशीट है, वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। ये सारी की सारी फाइलें जो है ये जेपीजी के अंदर, ये जेपीजी के अंदर, लेकिन आपको ध्यान देना है ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोड करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब 20 से 50 के बी के बीच में, हैंड रिटन नोट 50 से 6 के बी के बीच में, और यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसकी पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर क्या अपलोड करना है उसके लिए आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर डिक्लेरेशन, जिसमें आई योवर नेम, योवर नेम की जगह आपकी जो भी नाम है वो नाम एंटर करना है, और उसके बाद में जो भी लिखा हुआ है उसको हैंड रिटन के अंदर लिख के इसकी फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो यहाँ पर चूज फाइल में जाके यहाँ पर इसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। साथ ही फ़ोटो की साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में रहनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से सिक्योरिटी कोड लगा के इसको कर देंगे 7 नेक्स्ट। जैसे ही आप इसमें सिक्योरिटी कोड लगा के 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें 300 रुपये जो है ये ऑनलाइन पे करने हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, जो भी आपका सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है वो सिक्योरिटी कोड लगा के इसको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेस टू पेमेंट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इसका पेमेंट जो है ये ऑनलाइन कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या फिर वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, एयरटेल मनी, फ्री रिचार्ज, इनके थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है क्यूआर कोड से पेमेंट करना हो तो क्यूआर कोड पे जा रहा हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, और इसको कर देंगे प्रोसेस विद पेमेंट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे या तो यूपीआई आईडी लगा सकते हो, या फिर एक दे रखा है स्कैन क्यूआर कोड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक क्यूआर कोड दिखाई देगा, इससे क्यूआर कोड का आप फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी स्कैन करके इसका पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म जो है ये फिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल होने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर इसको सेव रख सकते हो। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।